नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डीए को लेकर आ गई है नई अपडेट। तो जानिए कर्मचारियों की सैलरी में कितना होगा इजाफा और डीए में कितनी होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि डीए में बढ़ोतरी कब होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार एक बार फिर से महंगाई दर के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते और केंद्रीय पेंशन के महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर सकती है। इसका फायदा कर्मचारियों को जुलाई महीने से ही मिलने लगेगा। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशन पाने वाले कर्मचारी के महंगाई राहत मिलती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का ऐलान आमतौर पर अगस्त या सितंबर महीने में किया जाता है, लेकिन इसका फायदा जुलाई से मिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अप्रैल महीने में AICPI इंडेक्स 127 अंक से ऊपर पहुँच गया है। महंगाई दर भी 6% से अधिक बनी हुई है। ऐसे में कयास लगा जा रहा है कि सरकार कर्मचारी का डीए में 5% तक बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर कर्मचारी के डीए 34% से बढ़कर 39% हो जाएगा। कर्मचारी के वेतन में 34% से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी और इससे पहले जनवरी में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए बढ़कर 31% से 34% कर दिया गया था। ऐसा AICPI इंडेक्स के बढ़ने पर हुआ था। अब अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 7.79% हो गई है, जो 8 साल के उच्चतम स्तर पर है। दोस्तों, इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 34% से 38 या 39 या 40% किया जाता है तो कर्मचारी की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। यह सालाना करीब कर्मचारियों की सैलरी में 34,140 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार अगर डीए बढ़ाती है तो 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।